जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, वेस्टर्न ममालिक जो हैं दे आर नॉट एब्सोल्युटली हैप्पी कि जिस पुटिन को, व्लादिमिर पुटिन को मगरबी ममालिक एक पराया स्टेट बनाना चाहते थे, एक ऐसी रियासत बनाना चाहते थे जिसे दुनिया इंगेज ना करे, लेकिन नरेंद्र मोदी कल वहां पहुंच रहे हैं। सारे का सारा जो वेस्ट है, यूरोप हो, अमेरिका हो, वो बड़े नाराज हैं। पाकिस्तान तो याद होगा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान जिस दिन जंग शुरू हुई वहां पहुंच गए, और वो पहले प्लान था। और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने फोन किया कि वजीर आजम को नहीं जाना चाहिए, लेकिन चले गए। तो हमसे तो जारी बात है, फिर जो हमारा पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली दुनिया में कहा गया कि जी देखिए ये कौन मुल्क है, क्या कर रहे हैं, लेकिन इंडिया कॉन्टिन्यूसली जा रहा है आ रहा है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन क्योंकि और सारी की सारी ये वेस्टर्न ममालिक कहते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया की जो जंग है यूक्रेन के साथ उसका मेन फाइनेंसर है। अगर इंडिया पैसे ना दे, पिछले मिसाल अगर 54 अरब डॉलर का लेट से वो तेल नहीं खरीदते, तो रशिया के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जंगें लड़ सके। सो बेसिकली तो ये जंग जो है वो भारत लड़ा रहा है, वो ये कह रहे हैं। ये कुछ जिसे आप कहें ना कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियोस हैं जो मैं जाती नज़र में समझता हूँ कि ये अब आप फॉर एग्जांपल क्या नाम है उनका, प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, ठीक है, और जो क्या नाम है उसका, पुटिन साहब प्राइवेट डिनर उनके लिए होस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। बड़ी बात होती है प्राइवेट डिनर, एक होता है स्टेट डिनर, एक होता है प्राइवेट डिनर, ठीक है जी। मतलब स्टेट डिनर तो है ही है, उनके लिए होंगे जारी बात है, लेकिन ये समझ लें कि मोदी साहब का पहला ट्रिप है जब से 2022 में जंग शुरू हुई। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज 22nd एनुअल इंडिया रशिया समिट, ठीक है जी, 3 सालों के बाद ये समिट हो रही है। वैसे तो इंडिया कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन व्हाट इज द पर्पस 3 साल बाद ये समिट क्यों हो रही है? एट टाइम्स ये लगता है कि इंडिया सिग्नलिंग कर रहा होता है, अगर समिट नहीं की तो दुनिया को बता दिया कि जी वो कोविड है, ये है, वो है, कोविड के बाद ये यूक्रेन की वॉर आ जाती है, नहीं समिट की, ठीक है जी। वेस्टर्न ममालिक को इतना नाराज भी नहीं करना, अनॉय नहीं करना, ठीक है, जबकि बायलैटरल ताल्लुकात में इंडिया कमी नहीं आने देता, ठीक है जी। और ये आपको मैं मजे के बाद बताऊं कि ये जो एनुअल इंडिया रशिया समिट है, ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की है, ठीक है जी। ये तब से चल रही है, और तब भी जारी बात है बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है जी। और अब देखना ये है कि जिसे कहेंगे ना कि मोदी साहब जो हैं बायलैटरल विजिट रशिया का कर रहे हैं, हाँ मल्टीलैटरल उन्होंने G7 का करके वहां सारी लीडरशिप से मुलाकातें जो है वो कर ली। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया की जो अवाम है, डायस्पोरा जिसे बोलते हैं, उससे भी वो मॉस्को में मुलाकातें करेंगे। ये बड़ी बात है वैसे इंडियन डायस्पोरा का, या उस डायस्पोरा का चाइना में और रशिया में रहना, खास तौर पर रशिया के अंदर रहना, वहाँ पे बिजनेस करना, जुबान सीखना, ये सारी चीजें करना। लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात इतने पुराने हैं, इतना इतना वक्त हो चुका हुआ है कि अब वो समझते हैं कि मतलब इंडियंस को इतने एडवांटेजेस मिले हैं रशिया के अंदर कि उनके लिए वहाँ पे काम करना ही बड़ा जबरदस्त है। और इंडियंस कहते हैं कि ये स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप है। इंडिया की देखिए फॉरेन पॉलिसी की आपको मानना तो पड़ेगा, आप लाख इंडिया से इख्तलाफ करें, आपके इंडिया से 5,000 किस्म के मसले हो सकते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप कहता है इंडिया के साथ, और अमेरिका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहता है इंडिया के साथ। और दोनों एक दूसरे के इतने दुश्मन हैं कि मुलाकात भी नहीं करते, लेकिन दोनों इंडिया के साथ अपनी लाइन लेंथ सेट करके बैठे हुए हैं। तो एक तो इंडिया ने शुरू से अपनी पोजिशन का सही इस्तेमाल किया, अपने आप को बेचा नहीं जैसे हम माजी में बेचते रहे, अपनी लोकेशन को बेचा, अपनी आवाम को बेच दिया, ये बातें हमारे वहाँ होती रहती हैं, इंडिया ने ये काम नहीं किया। एंड देन अबव ऑल ये चीज़ें तो जो हुई हुई, इंडिया ने
जो चाइना के हवाले से उनके मामला सारी बात है डिफरेंट है, क्योंकि वो एक बायलैटरल मसला है, वो एक पर्सनल, वो भी इंडियंस कहते हैं कि हम तो बड़े नॉर्मल चल रहे थे लेकिन चाइनीज ने एलएसी के ऊपर तब्दीलियां की और फिर हमें मुश्किल में डाल दिया। अब ये यहाँ से जो रशिया का ये विजिट है, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया ने बेसिकली तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही चीज़ बताई है कि यार वो हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, नए ताल्लुकात नहीं हैं। सो हम ताल्लुकात आज आप उठे हैं और आप हमें कहते हैं कि ताल्लुकात खराब कर दो, हम कैसे खराब करते। सो ये चीज़ें हैं जो जारी बात है वहाँ पे देखी जा रही हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी क्रैक्स हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं देख रहा था कि जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी दौरा किया है वहाँ पे, क्या नाम है, रशिया में, वो क्रेमलिन गए हैं, उनकी मुलाकात हुई है। इवन के यूरोपियन यूनियन को उस पर स्टेटमेंट जारी करनी पड़ गई, यूरोपियन यूनियन को इसमें स्टेटमेंट जारी करनी। और इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी, जो हो रही है, जिसने बेसिकली सबको परेशान किया है कि एंड इस टाइम जब ये सारा कुछ हो रहा है, एक नेटो समिट हो रही है वॉशिंगटन के अंदर, ठीक है जी, उस समिट में जारी बात है सारे नेटो ममालिक जा रहे हैं, सारे के सारे नेटो ममालिक जा रहे हैं, 9 से 11, 9, 10, 11 को हो रही है ये, ये 8 और 9 है, वो 9, 10, 11 को हो रही है। सो ये जिसको आप कहेंगे ना कि अब अमेरिका इस समिट को होस्ट कर रहा है, ठीक है जी, और जारी बात है वहाँ टर्की भी होगा, बाकी नेटो के ममालिक भी होंगे, ये एक चीज़ें जो है ना वो है। सो एक तरफ अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड आज के दौर का मॉस्को बैठा हुआ है और प्लान कर रहा है कि मॉस्को को कैसे डील करना है, रशिया को कैसे डील करना है। अदरवाइज आप देखें ना, नेटो को क्या काम है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अगेंस्ट चाइना, ठीक है जी, आर्टिकल 5 विल ओनली बी इन्वोक्ड अगर उनमें से किसी एक मुल्क के ऊपर हमला होगा, तो वो कौन मुल्क है जो हमला कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ रशिया ही कर सकता है, और कौन कर सकता है, ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं इसमें आप देखें कि ये इसके ये जो नेटो समिट है इसका काफ़ी शोर मचा हुआ है, ठीक है कि जी ये समिट हो रही है, होने वाली है और क्या होगा। सो मोदी साहब पुतिन को मिल रहे हैं जबकि मोदी साहब के सारे दोस्त वॉशिंगटन के अंदर पुटन के खिलाफ सोच रहे हैं कि हमने पुटन से कैसे लड़ना है और पुटन के खिलाफ कैसे इकट्ठे होना है। ये आप देखें, ये कंट्रास्ट को जरा चेक करें, ठीक है जी, इस कंट्रास्ट को जरा चेक करें, इस सिचुएशन को जरा एनालाइज कर लें आप, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। और वो क्योंकि सारे के सारे परेशान हैं कि जो यूरोप की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है वो खतरे में है, जो यूरोप है वो एक किला बनने जा रहा है, बिकॉज उसमें रशियंस जो हैं वो बड़ी टफ लाइन ले रहे हैं, अमेरिकन जो हैं अगर वहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या डेमोक्रेट्स नहीं आते तो यूरोप का मुस्तकबिल खतरे में है, जिसको रशियन प्रेसिडेंट क्या नाम है एमनुअल मैक्रोन ने कहा था कि यूरोप कैन डाई, यूरोप इज नॉट इमॉर्टल, ठीक है, इमॉर्टल नहीं है, मतलब मर सकता है अगर हमने खुद ना सोचा, हमने अपनी प्लानिंग्स ना की तो खत्म हो सकता है वो, ये सारे के। सो रशिया, इंडिया ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ, देखिए इंडिया ने कैसे डाइवर्सिफाई किया अपने आप को, इंडिया ने डाइवर्सिफाई किया कि इंडिया एक तरफ तो रशिया से भी वेपन्स लेता है, फ्रांस से भी लेता है, अमेरिका से भी लेता है। जब पन्नू वाला मसला हुआ तो ऐसे पता लगा कि शायद अमेरिका जो है वो इंडिया को वेपन सेल रोक देगा, लेकिन क्या हुआ फिर, फिर क्या हुआ, फिर फौरन अमेरिकी प्रेसिडेंट एक्टिव हो गए, कांग्रेस को कहा नहीं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, $4 बिलियन की सेल है, फौरन इसके ऊपर किया जाए। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में वो क्या है, जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन है मकैनल क्या नाम था उनका, उन्होंने जनाब कहा कि जी हम बड़े कंसर्न हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों से पता तो चलता है ना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ठीक है। सो इसीलिए तो इंडिया जो है उसने वेस्टर्न ममालिक को खुश करने के लिए 76% जो अपनी मिलिट्री हार्डवेयर की डिपेंडेंस थी उसको कम करके 36% पे ले आए,
और उसकी वजह यह है कि रशिया का जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो इतना मजबूत भी नहीं है, और सारी बात है हर मुल्क ये चाहता है कि हम अपने आप को जो है वो दूसरी डाइवर्सिफाई करें अपनी सप्लाई चेन को। ठीक है, अब हालात तो ये हैं कि इंडिया जो है उसको S-400 प्रॉपरली नहीं मिल सके, और रशिया क्योंकि बिजी हो गया, रशिया जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो खुद भी बना रहे हैं, अपनी फौज के लिए भी बना रहे हैं, अपनी जंग में भी हैं। आपको पता है ये इसके ऊपर बड़ी आजकल बहस हो रही है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कि कल कला को मिसाल के तौर पे अगर जंग छिड़ गई है तो जो वेपन प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो किस किस को असला देंगी? हर मुल्क तो अपनी असला नहीं बनाता। आज अगर यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है तो क्या अमेरिका, और कल अमेरिका और रशिया की भी कोई डायरेक्ट लड़ाई हो सकती है तो क्या उसमें क्या होगा? वेपन्स अगर लंबी जंग चलती है तो असला कहाँ से आएगा? आजकल इस पे बहस हो रही है, इसीलिए इंडिया भी फोकस कर रहा है कि हम अपनी मिलिट्री हार्डवेयर को खुद स्पॉन्सर करें, सपोर्ट करें, अपने प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करें। ये जो मौजूदा इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैडम अर्मिला के क्या नाम, मुझे जैन से नाम भूल जाता है इनका, ये पिछली दफा भी फाइनेंस मिनिस्टर थी, उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर थी। तो जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं, हम नहीं कारोबार कर सकते, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। हम तो प्राइवेट सेक्टर पर ट्रस्ट नहीं ना करते, और हमारा प्राइवेट सेक्टर है सेल्फिश, सबसे पहले कहता जी हमें टैक्स ब्रेक दो, फिर कहता जी हमसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमसे हम आपको डॉलर ला के देते हैं, हमें जो है वो टैक्स नहीं डालना। तो पाकिस्तान में तो वो ये चीज़ें जो है ना वो दे आर देयर। ठीक है, सो रशिया जो है वो अपनी एक तरफ उसने मिलिट्री हार्डवेयर में मिलिट्री, उसको तो कोई असला देने वाला नहीं है, शायद चाइना थोड़ा बहुत सप्लाई कर दे या कुछ कर दे, लेकिन इंडिया अपनी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहता है कि मुझे और ममालिक से भी ओपनिंग हो। आज से कुछ साल पहले तो इंडिया की कोई ओपनिंग नहीं थी ना, इंडिया कोई असला उस तरह नहीं देता था। ठीक है, आज से 15 साल पहले चले जाएं आप, तो कोई इस तरह असले की आज़ादी नहीं थी जब इंडिया के ऊपर सैंक्शंस थी आफ्टर दी जो न्यूक्लियर वेपन्स डेटोनेट किए, तो उसके बाद आपको पता सैंक्शंस लग गई, और क्यों जी इन्होंने NPT नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को वायलेट किया है, दुनिया के अमन को खतरा डाला, पाकिस्तान पे भी सैंक्शन थे, इंडिया पे भी सैंक्शन थे, लेकिन पे खत्म हो गए सैंक्शन। अब उनके पास पैसे हैं, हर मुल्क कहता है पाए 10 सौ की लेना, केड़ी बंदूक लेनी, केड़ी गोली लेनी, केड़ा जहाज लेना, केड़ा टैंक लेना, केड़ी तोप लेनी। तो आज तो उनको इस अंदाज से पूछा जा रहा है। सो ये चीजें जो हैं, लेकिन सारे का सारा जो वेस्ट है वो उनको एक समझ नहीं आ रही इंडिया से कैसे डील कर रहे हैं। मैं आपको मजे के बात बताऊं, आई हैव स्पोकन टू मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन एशिया एंड पाकिस्तान। मैं एक दफ़ा एक डिप्लोमेट को यूरोप में मिला, एक यूरोपियन डिप्लोमेट थे वो, डेफिनेटली आई विल नॉट नेम द कंट्री। उन्होंने मुझे कहा कि वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस, हम सब्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत के वाले से, कि वो पसंद नहीं कर रहे कि भारत एक तरफ पोटेंस से जफियां डालता है और दूसरी तरफ हमें भी हमारे पास भी आ जाता है, और हमारा जो सारे का सारा वेस्ट है वो जा रहा है इंडिया, हमें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, क्योंकि आज तक अभी इस तरह के हालात ही पैदा नहीं हुए। क्योंकि जितना भी यूरोप था ये तो एक है, और दूसरा इनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी किसी दुनिया के मुल्कों की, अब चाइना के मुकाबले में वो आ गए हैं वो। अच्छा, यूरोप की पोजीशन चाइना के बारे में और है, अमेरिका की और है। यूरोप कहता है हमने कारोबार करना है चाइना के साथ, हमने लड़ाई छुड़ी कोई नहीं करनी। अमेरिका का मसला क्या है, क्योंकि अमेरिका बड़ी गेम का खिलाड़ी है, तो अमेरिका कहता है नहीं उनके साथ भी कारोबार का भी करना है, काम भी करना है, कॉम्पिटिशन भी करना है। यूरोपियंस कहते हैं कि इस लड़ाई में हमें ना बीच में लेके जाना, ये जो चाइना के साथ आपने लड़ाई करनी है ना वो ना उसमें हमें ना साथ लेके जाना, हम नहीं आपके साथ लड़ेंगे, ये वो कहते हैं, दिस इज वॉट दिस से, ये वो उन्होंने अमरीका को कहा है इस हवाले से। ठीक है, तो ये अब देखते हैं कि ये इधर से इस मीटिंग से क्या निकलता है। मेरी जाती नज़र में दो चार बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इंडियन और रशियन सोच रहे हैं, जिसमें जारी बात है असले की तसील है कि वो जो S-400 और बहुत सारी और चीज़ें हैं, तेल की सप्लाई और करना, फिर बहुत सारा जो इंडिया खरीद रहा है ना वो रूबल्स में खरीद रहा है, ठीक है, डॉलर में नहीं खरीद रहा। तो इंडिया को रशिया को ये भी है इशू कि उनकी जो बहुत सारा पैसा है वो फंस गया हुआ है इंडिया के अंदर। आपको पता ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि वो जो
अगर फॉर एग्जाम्पल इंडियन रुपी में रशिया से खरीद रहे हैं अच्छे ताल्लुकात की बिना पे, तो इंडिया के तो डॉलर्स बच रहे हैं, एक तरफ इंडिया डॉलर्स बचा रहा है, दूसरी तरफ अपने रुपए की डिमांड बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इंडिया डबल फायदा लिए, बहुत फायदा लिया है इंडिया ने रशिया। ओ आपकी सोच है, आप कभी बैंकर्स के साथ बैठे हैं, इन लोगों के साथ बैठे हैं, आपको पता चलेगा इंडिया ने जो अगर 54 बिलियन डॉलर का ऑयल लिया तो 54 बिलियन डॉलर भी बचाए, अपने रुपए को मार्केट करके रशिया को दिया, ठीक है। डॉलर पे भी प्रेशर कम, बाहर से जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो भी सेव करके रख लिया, और लोगों के लिए एनर्जी सप्लाई भी मेंटेन की और सस्ती मेंटेन की है। इंडोनेशियंस कहते हैं कि हम इतने रुपए को कहाँ पे लगाएं, हम क्या इंडिया से लें, क्योंकि जो बायलैटरल ट्रेड है 65 बिलियन डॉलर की है, मेरा ख्याल है बायलैटरल जो ट्रेड है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें थोड़े ही जो ट्रेड है वो कुछ ट्रेड है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, बाकी तो हर चीज इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट है वो सारा, कि वो ऑयल है। तो वो कहते हैं कि हमें इतना पैसा अब हमारा इंडियन बैंकों में पड़ा हुआ है, और मजे की बात है उसमें बहुत सारा पैसा इंडिया के बैंकों में भी ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन सम हो इंडिया जारी बात उसमें वो कर रहा है। कई लोगों को ये भी कहना है कि शायद इंडिया जो है वो रशिया को असला भी बेचता है, या असला दे रहा है, या स्मॉल वेपन, या इस तरह की चीजें। आई डोंट नो, मैं इसके ऊपर कोई वेरीफाइड मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है और मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें भी आई हैं। क्योंकि इंडिया को मसला ये है कि रशिया को मसला ये है कि रशिया को चाहिए असला चाहिए, ठीक है ना जी, और ठीक है जी, सो उनको चाहिए, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये दिस इज हाउ इट इज। बहरहाल लेट्स से आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हाउ थिंग्स फ्लो, या कैसे चीज़ें चलती हैं या क्या नहीं होती, ठीक है। लेकिन फॉर अ मोमेंट एक तरफ अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट पुटिन का मोदी साहब को मना लेना कि हाँ जी आ जाओ और आके इन्वेस्ट कर और हमें मिल जाओ, और एक वो जो ताल्लुकात हैं उनको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना नॉर्मलाइज कर जाओ, क्योंकि वो 2021 से इनकी बायलैटरल मीटिंग्स नहीं हुई थी, दैट्स समथिंग बिग। लेकिन एन इसी वक्त नेटो की समझ जो वाशिंगटन में हो रही है, आपको इमेजिन नहीं कर सकते, बंद कमरे में बैठ के यूरोपियंस और अमेरिकन इंडिया के बारे में क्या सलवातें पढ़ रहे होंगे, मैं आपको 100% बात बता रहा हूँ। बंद कमरे में बैठ के तमाम यूरोपियंस और इंडियंस जो हैं जब वो रशिया के बारे में सोच रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी वहां बैठा हो तो क्या सोच रहे हैं फिर वो, कि हमारा जो एडवर्सरी है टॉप एडवर्सरी वो हमारे उस दोस्त के साथ मिलके बैठा है कि फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, जिसको हम आजकल सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और जिसको G7 में भी इन्वाइट करते हैं, और कितनी देर से इन्वाइट कर रहे हैं। तो वेस्टर्न मीडिया इसके ऊपर लिख रहा है, वेस्टर्न मीडिया क्या लिख रहा है, वेस्टर्न मीडिया लिख रहा है कि इंडिया जो है ना, इट इज नॉट अ कंट्री विच होम यू कैन गो ऑन द शेयर्ड वैल्यूज, इट इज अ कंट्री टू होम विद यू कैन वर्क विद शेयर इंटरेस्ट। की बात करोगे आप, इंटरेस्ट के ऊपर चलो, नॉट ऑन वैल्यूज पे चलो, ठीक है जी, इंटरेस्ट पे चलो, वैल्यूज पे नहीं चलना आपने, बिकॉज इंटरेस्ट आपके इकट्ठे होने चाहिए, और इंटरेस्ट चाइना के अलावा कुछ भी नहीं है। और यूरोपियंस को ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करें, क्योंकि डी रिस्किंग की बात हो रही है, सप्लाई चेन के मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिया जो है वो अपने इसीलिए इंडो पैसिफिक को सिक्योर करना चाह रहा है, इसके ऊपर हमने काफ़ी बात आपसे की हुई है। बहरहाल ये इसीलिए यूरोप किसी और वजह से इंडिया के पास आ रहा है, अमेरिका किसी और वजह से इंडिया के पास आ रहा है, बट द क्वेश्चन इज इंडिया इज इन अ पोजिशन टू सेल इट सेल्फ, इंडिया अपने आप को बेच सकता है, ये है। आप अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप अपने आप को बेच सको, ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है कि जी मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए कि आप अपने आप को बेच सकें, और इंडिया अपने आप को बेच रहा है और मुस्बत अंदाज से बेच रहा है।